दोस्तों ये न्यू एटिका है 2020 मॉडल, और इसमें आप देख रहे हैं एक फॉल्ट आ रहा है चाबी का। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको एम्बुलाइजर की भी चाबी आ रही है और क्लस्टर में जो बड़ी चाबी बनी हुई आ रही है, और इसमें लिखा रहा है सर्विस स्टार्ट सिस्टम। और दूसरी चीज़, इसके एक और आइकन आ रहा है इसमें ऑटो स्टार्ट का, ये बिलिंग कर रहा है देखो। तो दोस्तों हम स्कैन करेंगे, स्कैन करके देखेंगे इस फॉल्ट को दूर कर देते हैं और ये कैसे दूर होएगा। ये गाड़ी स्टार्ट है इस वक्त, मैं रेस ले रहा हूँ, ये देखो आरपीएम ये आ रही है, ये बंद होने पे भी आ रही है, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, अब आएगी, ये आ गई। तो ये काफ़ी परेशान कर रही है, और स्टार्ट करने के बाद भी ये फिर दोबारा आ जाएगी, ये स्टार्ट होगी गाड़ी, रेस ले रहा हूँ मैं। और ये देखो एम्बुलाइजर की भी लाइट आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, स्कैन करते हैं, स्कैन करके इसका पता लगाते हैं। तो दोस्तों हमने स्कैन करा है, और स्कैन करने के बाद में जो ये फॉल्ट आया है, ये आया है P1375 ऑक्सिली पावर मेडुल एक्सटर्नल सर्किट। दोस्तों ये इस केस में मतलब कोई ना कोई फ्यूज है, इसका फ्यूज होता है, फ्यूज में हम चेक करेंगे कोई सा इसमें फ्यूज वगैरह का देखते हैं, और मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और फ्यूज वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों फ्यूज चेक करेंगे इसके, ACC ये रहा, जहाँ मेरा अंगूठा है यहाँ पे ACC का फ्यूज है, इस फ्यूज को चेक करेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले ACC फ्यूज को ही चेक करते हैं डायरेक्ट, इसमें ये फ्यूज लगा हुआ है, ये रहा इसमें नहीं बोल रहा है, इसमें मीटर बोल रहा है, सब में बोल रहा है, और ACC का ये पांचवें नंबर का 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर का फ्यूज है, ये नहीं बोल रहा है इसे। तो ये फ्यूज को डालेंगे, एक मिनट में फ्यूज लेकर आता हूँ, और बीमारी दूर करते हैं। सर मैं फ्यूज लेकर आया हूँ, और इस फ्यूज को फेंक देंगे, चेक करेंगे पहले फ्यूज को लगाने के बाद भी। बोल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, लगा दिया है, मैं ये कवर इसका लगा देता हूँ, और एक बार ये लगा दिया है, एक बार प्रमोद जी गाड़ी स्टार्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।